तीन मुकदमों की पेशी थी, उसके लिए हाजिर हुआ और अपनी सिलसिले में जिसकी तारीख पड़ गई है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में बहस चल रही है, जो कल इसहाक डार साहब ने एक वफाकी बजट पेश किया है, मैंने उसका मुताला किया है और जो मैंने सरसरी मुताला किया है उसके बारे में ये कह सकता हूं कि ये झूठ का पलंदा है और हिंसों का घोरक धंधा है। मेरी नजर में जो IMF का फ्रेमवर्क जिसके सामने रखते हुए ये उनसे मुज़ाकरात और गुफ्तगू करते रहे, ये उस फ्रेमवर्क से मुताबकत नहीं रखता। मेरी नजर में जिस किस्म के उन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं एग्जैजरेटेड हैं। मेरी नजर में IMF शायद उन्हें इस बजट को, इनके टारगेट्स को कबूल करने में शायद दिक्कत महसूस हो। और हैरान कुन बात यह है कि वो हुकूमत जिसके 42 दिन बकिया रह गए, क्योंकि 12 अगस्त को तो पार्लियामानी टर्म मुकम्मल होती है, उन्होंने 12 माह का बजट दे दिया। मेरी नजर में ये नॉन स्टार्टर बजट है और जो इंटरिम गवर्नमेंट है जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी। और जो हुकूमत मुंतखब होकर आएगी उन्हें एक दफा फिर नजरसानी करनी होगी। ये वो बजट है जो मुसलसल जिसकी तरमीम होगी, इंटरिम गवर्नमेंट करेगी, मैं पेशेंगोई कर रहा हूं, और आने वाली मुंतखब हुकूमत करेगी, क्योंकि इनका जो प्रोग्राम था IMF का जिसके अभी तीन रिव्यू बाकी थे, 9वां, 10वां, 11वां, वो मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट रहेगा और आने वाली हुकूमत को एक नया प्रोग्राम रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है, एक खास तबके को कुछ रियायत दी है, आवाम को, मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। मुझे खुशी है कि इस महंगाई के आलम में जो हमारा तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है उनकी तनख्वाहों में इजाफे का एक शुनीद है। मैं पूछना चाहूंगा डार साहब से, आपने कहा कि 30% और 35% तनख्वाहों में इजाफा होगा, मुझे बताइए पैसा कहां है आपके पास, मुझे बताइए ये पैसा कहां है। और जब आपने 30 से 35% इजाफा कर दिया तो आज सिंध का बजट आएगा और जो सूबाई बजट आएंगे क्या उनको अपने सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी नहीं करनी होगी? और अगर वो अपनी तनख्वाहों पर नजरसानी और पेंशन्स पर नजरसानी करेंगे तो आपने अपने बजट डॉक्यूमेंट में जो 650 अरब का सरप्लस शो किया है वो कहां जाएगा, वो कहां से आएगा? मैं ये सवाल है मेरा डार साहब से। मेरा डार साहब से ये भी सवाल है कि आपने जो फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 106% इजाफे की शुमीद और नवीद सुनाई है वो पैसा कहां है, कहां से कटेगा? मैं आज कह रहा हूं 12 माह का बजट दिया वफाक ने और 4 माह का बजट का फैसला किया पंजाब ने, तो ये डेवलपमेंट का बजट क्या पंजाब से काटेंगे? क्या पंजाब के जो तरक्याती रकूम है वो जो बजट पेश होगा वहां से कटेगा? ये कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। आपने जो फिस्कल डेफिसिट की बात की है, 6 ट्रिलियन कहां से, मतलब बताइए। जो आपने रेवेन्यूज की बात की है, आपने कहा है इस साल के टारगेट आप अचीव नहीं कर सके और अपना टारगेट बढ़ा दिया
और एक अंदिया दिया है कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 1.3% बॉयंसी आएगी। मैं पूछता हूं कहां से आएगी? दुनिया रिसेशन में है, दुनिया इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में है, पाकिस्तान की मईशत इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में है, तो ये बॉयंसी कहां से आ रही है? ये जो आपका एक्सटर्नल फ्लोज का आपने जिक्र किया है वो बंदोबस्त कहां है? ये जो आपने तकरीबन 24 अरब डॉलर जो अगले फिस्कल ईयर में जो आपने जमा करने हैं वो कहां है? जो 6 बिलियन की आपने इनसे वादा किया था वो तो वो ना हो सके, 2 बिलियन की उसमें शॉर्टफॉल है, तो ये 24 बिलियन कहां है? इसाक डार साहब, आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक हिटमैन हैं। डार साहब, आपने पाकिस्तान की मईशत को, अफसोस से कहना पड़ रहा है, एक डिफॉल्ट की तरफ, अल्लाह न करे, एक सॉवरन डिफॉल्ट की तरफ इस बजट के जरिए आपने धकेल दिया है। और आप देखेंगे जब इसका पूरा मुताला किया जाएगा और उस पर बात की जाएगी तो पूरी हकायक सामने आ जाएगी। छोटा सा सवाल है सर, ये बताइएगा कि अक्टूबर में इलेक्शन की बातें हो रही हैं, अगस्त में बजट में आपको लगता है इलेक्शन होंगे या आगे है? देखिए अर्जी है, इन्होंने बजट में 48 अरब रुपए इलेक्शन का रखा है ना, तो उससे तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि इलेक्शन होगा। अब नियतों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन बजट में पैसा रखा है, नंबर एक। और नंबर दो, आईन के मुताबिक से 12 अगस्त को असेंबली की टर्म खत्म हो जाती है, तो इलेक्शन तो होना है। अगर आईन के मुताबिक चलना है तो इलेक्शन होना है, और अगर आपने आईन से मावरा कुछ करना है तो फिर मैं क्या कह सकता हूं? ये आपको माइनस करने की बातें हो रही हैं, उनको माइनस करके और जो इलेक्शन जो सिनेरियो बन रहा है, एक नई पार्टी भी वजूद में आ गई है, तो इन साहब देखिए नई पार्टी एक्सेप्टेबल कितने होंगे कौन के इलेक्शन? देखिए हर सियासी शख्सियत को अपने सियासी फैसले करने का हक है। जिन दोस्तों ने फैसला किया उनमें बड़े 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 नाम हैं, बड़े वजनी सियासतदान हैं, ये उनका इश्तेकाक है, उन्होंने अपना इश्तेकाक इस्तेमाल किया है और उन्होंने अपना एक जमात का ऐलान कर दिया। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक मरीज को हादसा हुआ और मरीज को इमरजेंसी में ले गए, मिसाल के तौर पे सर्विसेज हॉस्पिटल या करीबी है उसके ले गए इमरजेंसी में, डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और मुआयने के बाद उसने कहा डेड ऑन अराइवल, तो मैं यही कहूंगा दिस इज अ लॉन्च विच इज डेड ऑन अराइवल। अपनी पार्टी का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? तहरीके इंसाफ का एक वफाकी जमात है और उसकी पहुंच और उसकी सोच और उसकी हिमायत चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में है, आजाद कश्मीर में है, शहर शहर है, गांव गांव है, करिया करिया है, महल्ला महल्ला है, गली गली है, कूचा कूचा है। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, एक वफाकी सोच की जमात है और इंशाअल्लाह मुझे उसका एक रोशन मुस्तकबिल दिखाई देता है। थैंक यू।